कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए और हम फॉलो करना भूल जाते हैं। सो आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस दुनिया में हम अकेले पड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरे दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, सो आवाज़ अगर मेरी ऊपर नीचे हो सो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा खुद की टेंशन और परेशानियों में घिरे होते हैं। हमें दूसरों से मिलना जुलना कई बार मुनासिब भी नहीं लगता और कई बार मन भी नहीं करता कि दूसरों से क्यों मिले जुले, क्योंकि हम अपने ही एक कोकून में घिरे रहते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि आप चाहे जितनी भी चिंता या परेशानियों में घिरे हो, लोगों से बहुत अच्छे से मिले और उनसे उनकी सुने जैसे आपके साथ कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बहुत मुश्किल है लेकिन ये करिएगा जरूर, क्योंकि सोसाइटी में रहना है तो कुछ प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करना जरूरी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो सेकंड पॉइंट आता है कि कई बार मिलने जुलने का तो टाइम नहीं है। ठीक है, माना भाई आपके पास बहुत सारे काम है, ऑफिस से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर आके घर पे फुर्सत नहीं मिलती, बट यहाँ पर मैं बात बता दूं कि अगर आपको फुर्सत नहीं भी मिलती है तब भी फोन तो कर सकते हैं। तो मिलना जुलना नहीं सही, एटलीस्ट फोन पे अपने करीबियों के हालचाल जरूर लेते रहिए। और हाँ, केवल व्हाट्सएप पे जरा सा मैसेज करके इतिशी मत समझ लीजिएगा, आवाज जिसे कहते हैं ना, बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आप अर्निंग नहीं है, यानी कि आपके पास कोई कमाई का साधन नहीं है, आप कमाते धमाते नहीं है, तो भी लोग आपकी कद्र नहीं करते और लोग आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपसे मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं। सो अपनी सोसाइटी में वैल्यू के लिए और सोशल फैलो बनने के लिए आपको ये अर्निंग भी बहुत जरूरी है। द सेम वे फ्रेंड्स, हम दुनिया को तो पता नहीं क्या समझते हैं लेकिन खुद को कई बार बहुत कमतर आंकते हैं। सो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब आप दूसरों के प्रोफाइल की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उनको तवज्जो भी दे रहे हैं, द सेम वे अपना आइडेंटिफिकेशन करना मत भूलिए। वैसे अपना आइडेंटिफिकेशन अपने आप हो जाता है जब हम अपने आप में वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि अपने को कहीं भी ना तो कमतर आंकना है और ना दूसरे को आंकने देना है। जिस दिन आपने अपने आप को कमतर आंक लिया, सोसाइटी वैसे भी आपको कट कर देगी और आप अकेले पड़ जाओगे। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हम सोशल सर्कल बहुत अच्छा बना लेते हैं, हर बहुत अच्छे से लोगों से मिलते हैं, उनके हालचाल भी पूछते हैं, लेकिन हम अपने घर पे ये वैल्यू देना भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करी हूँ फैमिली मेंबर्स की। सो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया को अच्छा समझा तो समझा, उसके साथ साथ अपने घर वालों को भी अच्छा समझ लें और उनके भी हालचाल लेते रहे। यानी कि गलती से आपके घर के फैमिली मेंबर्स का ही आपसे जुड़ाव नहीं हुआ, सो माय डियर फ्रेंड, दुनिया के चाहे जितने लोग हाय हेलो कर ले, आप तब भी बहुत अकेले पड़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, सो प्लीज इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।